नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान कांग्रेस से। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी कलह के बीच बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जी हां, खबर सामने आई कि एक तरफ जहां राजस्थान में सियासी संकट गहराता नजर आ रहा है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि गांधी परिवार के आवास पर एक बैठक हुई जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता तो शामिल रहे लेकिन राहुल गांधी नदारद रहे। तो यहां पर राजस्थान कांग्रेस में इतना सब कुछ चल रहा है, यहाँ पर तख्ता पलट की बात होती नजर आ रही है लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद नहीं रहे। तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहे या ना रहे। राहुल गांधी का इस तरह ढीला बर्ताव बहुत हद तक कांग्रेस के लिए यहाँ पर अलग दिखता नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी को अब मौजूदा समय में एक्टिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर राहुल गांधी मौजूदा समय में एक्टिव नहीं रहेंगे, जो बैठकें हो रही हैं, जिस तरह से बातचीत का दौर जारी है, अगर इनमें शामिल नहीं होते हैं तो इसका नुकसान राहुल गांधी को ही उठाना पड़ेगा। हालांकि अगर मैं राजस्थान कांग्रेस की बात करूं तो राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी संकट के बीच सचिन पायलट और उनके गुट ने फैसला कर लिया कि अगर उन्हें पार्टी में बड़ी जगह नहीं मिलती है, अगर उन्हें बड़ा स्थान नहीं मिलता है तो वो पार्टी से अलग होने का मन बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक चीजें अलग होती नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए सोनिया गांधी क्या कुछ बड़ा कदम उठाती है। और देखने वाली बात यह भी होगी राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर क्या अशोक गहलोत के जो करीबी विधायक हैं उन्हें जगह ज्यादा मिलेगी या फिर सचिन पायलट के करीबी विधायकों को। आज के लिए इतना ही, आपसे फिलहाल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।